धन्यवाद सर। सर जिस तरह से युद्ध स्तर पर कोरोना वायरस को रोकने के लिए भारत सरकार काम कर रही है वो बधाई के पात्र है। सर मेरा जो क्षेत्र है दार्जिलिंग, भारत में एकमात्र डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जिसके अंदर में चार इंटरनेशनल बॉर्डर है, एक तरफ चाइना है, बांग्लादेश है, नेपाल है और भूटान है, और सिलीगुड़ी जो है उसी से जो है गुजर करके पूरा नॉर्थ ईस्ट वहां से जुड़ता है और देश भर के और दुनिया भर के हाईएस्ट टूरिस्ट जो है मेरे क्षेत्र में आते हैं। राज्य सरकार अपने स्तर पे काम कर रही है लेकिन मुझे लगता है वो पर्याप्त नहीं है, और मेरे जो क्षेत्र है वहां पे स्वास्थ्य सुविधा की भारी कमी है। तो सरकार से मैं निवेदन करता हूं, इसके लिए मैंने पत्र व्यवहार भी किए हैं, मेरे क्षेत्र में स्क्रीनिंग टेस्टिंग और अच्छी ट्रीटमेंट की आवश्यकता की पूर्ति करे। और सर क्या हो रहा है, ऐसे कठिन परिस्थिति में जो लोग नॉर्थ ईस्ट के और दार्जिलिंग के लोग हैं जिनकी आंखें छोटी छोटी है, नाक छोटा है, देश भर में उनको पुणे में, दिल्ली में, कलकत्ता में उनको जो है नस्लभेदी टिप्पणी किया जा रहा है, मुझे लगता है इसको तुरंत रोकना चाहिए और उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और सर अंत में एक बात कहना चाहूंगा, मेरा पूरा क्षेत्र जो है ये पूरा टूरिज्म के ऊपर में टिका हुआ है, बहुत सारे लोग जो है टूरिज्म के माध्यम से ही अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। तो मैं सरकार से मांग करता हूँ कि मेरे क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए एक स्पेशल पैकेज जो है उन क्षेत्र को दिया जाए। धन्यवाद।